ये देखिए भिंडी प्याज वाली बनके तैयार है। इसमें हमने बहुत ही कम मसाले यूज़ करे हैं और ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार होती है। आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आज हम बनाएंगे भिंडी प्याज। भिंडी प्याज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है उसमें डाल देना है हमें भिंडी। ऑयल के गर्म होते ही ऑयल में हमें भिंडी डाल देना है। ढाई सौ ग्राम भिंडी लिया है मैंने। मिक्स कर दें इसे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे हम 4 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारी भिंडी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। 4 से 5 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर पका लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। अब इसमें डालना है प्याज, इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है मैंने। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस पर एक ब्राउन कोट हो जाए। ये देखिए ब्राउन हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। प्याज को हमने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे चॉप प्याज, बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन। ये लहसुन डाल दिया मैंने। इसे हम थोड़ा ब्राउन कर लें। अब इसमें हम जैसे ही हमारे प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाएं, इसमें डाल देना है 2 कटी हुई हरी मिर्च। मिक्स कर दें। अब इसमें डालना है हमें अपने सूखे मसाले। सबसे पहले लिया है मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर। मिक्स कर दें। मसाले को हमें 2 मिनट तक पकाना है जिससे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। 1 टमाटर लिया है मैंने। मिक्स कर दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि अभी हम मैगी मसाला डालेंगे, उसमें भी नमक होता है। देखिए मसाले हमारे पक रहे हैं। इसे थोड़ी देर हम ढक देंगे। मसाले को 2 मिनट तक हमें पकाना है जब तक इसमें से ऊपर ऑयल ना आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे भिंडी और प्याज जो फ्राई किया था हमने। ये देखिए भिंडी और प्याज, ये दोनों को हम इसमें डाल देंगे। प्याज और भिंडी को हम मिक्स कर देंगे इसमें।
गैस का फ्लेम लो ही रखा है मैंने। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। ये देखिए, ये लिया है मैंने। अब हम इसको ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये छोटा पाउच मैगी मसाला लिया है मैंने, इसको ऐड कर दें पूरा, मिक्स कर दें। मैगी मसाला डालने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो किया है मैंने, बीच बीच में आप चेक करते रहें। लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट भिंडी को पकते हो गए। अब हम इसे चेक कर लेंगे, मिक्स कर दें। ये देखिए, हमारी भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी है। गैस बंद कर दें, गैस बंद किया मैंने। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर दिए हैं अपना, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी प्याज वाली भिंडी बन के तैयार है। पास से दिखा देती हूँ आपको इसको, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।